हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोर्टनाइट गेम जो है वो एंड्रॉयड पे क्यों नहीं रिलीज़ हुआ, वो सिर्फ iOS पे क्यों रिलीज़ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि फोर्टनाइट गेम जो है सिर्फ iOS एक्सक्लूसिव है, मतलब कि वो सिर्फ iOS पे ही लॉन्च हुआ है। और अब जो है, पहले तो इनवाइट सिस्टम के थ्रू था, पर अब जो है इनविटेशन सिस्टम को जो है हटा दिया गया है, अब जो है सारे iOS यूजर के लिए लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि उसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि उनकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट अगर मीट करती है तो गेम जो है आपके iOS डिवाइसेस पे चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये गेम जो है iOS पे ही पहले क्यों आया, एंड्रॉइड पे क्यों आया। तो वेल, इसके जो है बहुत सारे रीजंस है ना आने के। अगर कंपनी के आप ऑफिशियल स्टेटमेंट के तरफ आएंगे तो कंपनी ने कहा है कि लार्ज वैरायटी ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस होने की वजह से जो है वो गेम को जो है एंड्रॉइड पे नहीं ला पाए। तो अगर आप देखेंगे हमारे एंड्रॉइड सिस्टम को, तो एंड्रॉइड जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो जिसमें कि ये है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है लाइक सैमसंग, LG, हुआवी, ये सारी कंपनीज जो है ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस बनाते हैं। तो सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस बनाते हैं जिसकी वजह से एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर उनका खुद का कस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, और उसके बाद जो है उनके अलग अलग प्रोसेसर्स है। लाइक प्रोसेसर मान लीजिए आप मीडियाटेक का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है, एक्सनॉस है, और ये सारे प्रोसेसर के अपने अपने ग्राफिक GPU भी हैं। तो जिसकी वजह से ये हो जाता है डेवलपर्स के लिए कि वो गेम को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। तो गेम बनाना हालांकि इजी है एंड्रॉयड और iOS के लिए, पर मेन प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। तो एंड्रॉयड के जो डिवाइसेस इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से एंड्रॉयड वर्जन्स भी इतने ज़्यादा हैं, लाइक लॉलीपॉप हो गया, नोगट हो गया, और अभी ओरियो है, इन सारे डिवाइसेस पे जो है गेम जो है सही तरीके से काम करे उसको जो है ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी यही कह रही है कि एंड्रॉयड की जो है इतनी वैरायटी है, इसकी वजह से जो है ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एपिक गेम्स का कहना यह है कि वो जो चाहते हैं कि एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले एंड्रॉइड यूजर्स को भी, इसलिए जो है वो गेम को अभी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए। और iOS डिवाइसेस पे रिलीज होने का एक और रीजन ये भी है कि गेम जो है अभी टेस्टिंग फेज में है, मतलब बीटा टेस्ट में है, तो वो जो है फीडबैक ले लेके जो है गेम को और ज्यादा स्मूथ कर रहे हैं। तो ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, ऐसा कंपनी कह रही है। हालांकि दूसरी चीजें भी हैं इसमें, जैसे कि एज अ डेवलपर, अगर आप एक गेम डेवलपर हो या एक गेम कंपनी हो, तो आप चाहेंगे कि आपकी गेम जो है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाए। तो iOS डिवाइसेस की सबसे मेन खास बात यह है कि उनमें वैरायटी नहीं है, मतलब कि iOS डिवाइसेस सिर्फ एप्पल कंपनी बना सकता है और कोई कंपनी नहीं बना सकता। तो वहाँ पे जो है ऐप्स की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। इससे होता यह है कि अगर एज अ डेवलपर आप कोई ऐप बनाते हो या गेम बना करके लॉन्च करते हो एप्पल ऐप स्टोर में, तो आपको जो है वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। क्योंकि एंड्रॉयड में अगर आप कोई ऐप बनाते हो या गेम बना कर रिलीज करते हो, तो उसकी जो है पायरेसी आराम से हो जाती है। तो उसके ऐप्स जो है आप कहीं पे भी APK फॉर्मेट या उसके डाटा फाइल्स वगैरह किसी भी साइट वगैरह पे मिल जाएंगे, जो कि iOS में ऐसा नहीं है। हालांकि उसके भी तरीके हैं, बट हर नॉर्मल यूजर जो है वैसा नहीं कर पाता। तो वहाँ पे जो है डेवलपर्स को फायदा होता है उनके ऐप्स के थ्रू। तो जैसे कि अभी फोर्टनाइट का एग्जांपल ले लीजिए, गेम के लॉन्च होने के 72 आवर्स के अंदर ही 1 मिलियन का बिजनेस कर लिया फोर्टनाइट गेम में। तो वहाँ पे क्या है कि iOS यूजर जो है वो पे करते हैं गेम डेवलपर्स को। मान लीजिए अगर आप डेवलपर हैं और आपकी गेम जो है बिजनेस ही नहीं कर रही, तो आप गेम बनाएंगे? अगर आपका गेम रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो आप गेम क्यों बनाएंगे? तो प्राइमरी फोकस डेवलपर्स का ये होता है कि iOS पे पहले रिलीज करके वो जो है उतनी अमाउंट जो है जितना भी उन्होंने स्पेंड किया है, जितना भी खर्चा हुआ उनके गेम मेकिंग में, वो जो है कॉस्ट रिकवर कर दी जाए, उसके बाद जो है एंड्रॉइड पर रिलीज करें। इसलिए आप देखेंगे जितने भी गेम्स होते हैं वो मोस्टली iOS पे पहले आते हैं, उसके बाद एंड्रॉइड पे आते हैं। तो मेन रीजन इसका होता है रेवेन्यू वाला, कि रेवेन्यू जो है पहले वो जनरेट कर ले, उसके बाद जो है एंड्रॉइड पर रिलीज करें। क्योंकि एंड्रॉइड पर रिलीज होते ही जो है गेम की जो है पायरेसी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, ऐसा iOS में नहीं है इसीलिए। तो फोर्टनाइट गेम का भी सिंपल सा यही रूल है। एज अ टेस्टिंग के थ्रू उन्होंने जो है iOS लिमिटेड डिवाइसेस पे जो है लॉन्च किया था iOS पे, लेकिन उससे भी जो है उन्होंने अब तक 5.3 मिलियन का बिजनेस कर लिया है, जो कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है उन्होंने सिर्फ लिमिटेड रिलीज से ही जनरेट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ये गेम जो है एंड्रॉइड पे आएगा, लेकिन वो जो है बाद में आएगा, क्योंकि गेम को जो है ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इतने ज्यादा हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस और एंड्रॉइड वर्जन होने की वजह से जो है डेवलपर्स को जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गेम जो है आ जाएगा, लेकिन इस महीने तो हमें ये गेम देखने को मिलने वाला नहीं है। हो सकता है शायद एपिक गेम्स जो है अगले महीने एंड्रॉइड रिलीज को कुछ अनाउंसमेंट कर दे। फिलहाल के लिए तो गेम अच्छा खासा बिजनेस कर रही है iOS पे। अब जो है इनवाइट सिस्टम भी जो है हटा दिया गया है, और कुछ रीजंस ये भी है कि एंड्रॉइड यूजर्स जो है पे करने में बिलीव नहीं रखते, उनको जो है नॉर्मली चीज फ्री में चाहिए। और खासकर अगर आप इंडिया से, तो आप कोई कभी भी जो है पे नहीं करोगे किसी भी ऐप के लिए। लेकिन ऐसा iOS में नहीं है। iOS यूजर्स जो है मोस्टली पे कर देते हैं, और मोस्टली उनके ऐप्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो पेड ही होते हैं। तो iOS पे अगर कोई पेड ऐप है, तो एंड्रॉइड पे जो है वो फ्री होगा इन ऐप परचेस के साथ। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं, तो इसलिए एंड्रॉइड पे जो है बाद में आता है रेवेन्यू जनरेट करने के बाद iOS से। क्योंकि एक महीने तक जो है डेवलपर अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, जितना भी उनका खर्चा लगता है, कॉस्ट लगता है गेम बनाने वगैरह में, तो वो ऑलमोस्ट iOS से वो रिकवर कर लेती है।
उसके बाद जो है एंड्रॉइड पर रिलीज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड से भी उनको फायदा नहीं होता, एंड्रॉइड से भी फायदा होता है, पर एंड्रॉइड यूजर्स जो है नॉर्मली फ्री टू प्ले गेम में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो पे नहीं करते। तो दोस्तों ये गेम जो है हमें शायद अगले महीने के एंड तक देखने को शायद मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, कंपनी कभी भी अनाउंस कर सकती है, बट इस महीने तो हमें ये देखने को नहीं मिलने वाला। कंपनी ने खुद कहा है कि कुछ महीने लगेंगे, तो हो सकता है शायद अगले महीने के एंड वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो अदरवाइज इसके रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह आती है या कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको जो है मेरे इस चैनल पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की गेमिंग अपडेट्स जानने के लिए जो है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।